हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए जगह में आया हूँ। आज मैं आया हूँ गुप्त काशी, और गुप्त काशी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। विश्वनाथ मंदिर भी है गुप्त काशी में, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। और एक बताओ तो, देखिए इस तरीके से एक ब्रिज हो गया। इस ब्रिज के नीचे, जस्ट नीचे, ऊपर से हमेशा डैम को बनाया गया है और एक बांध बना दिया गया है, ताकि यहाँ पे पानी हमेशा स्टॉक रहे। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक करके रखा जाए और उससे हाइड्रो पावर जनरेट कर सके। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि पहाड़ों में लगभग, उत्तराखंड की बात करूँ या हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, तो पहाड़ों में लगभग जहाँ भी पानी के अच्छा स्रोत है, तो उसको उस तरीके से पानी को यूज़ भी करते हैं। और बताओ तो इधर से इस तरीके से पानी आता रहता है और इस तरीके से पानी को यहाँ पे स्टॉक करते हैं, ताकि उससे हाइड्रो पावर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके। और बहुत ही एक अच्छी पहल है। और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत काफ़ी ऊँचा पहाड़ है, काफ़ी देख पा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बताओ तो ऊपर टावर भी है लगे हुए, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहाड़ों की बात तो गुप्त काशी की, ये डैम हर कोई आता है देखने। और ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और आगे दूसरा श्रीनगर जिला स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और ये गुप्त काशी का एक बहुत बड़ा सा एक डैम है, क्योंकि पानी का इसमें अच्छा विकल्प है। दोनों तरफ से पानी आता है और दोनों नदियों का एक संगम है ये। और यहाँ पे इस बांध को बना दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जा सके। और इसी तरीके के प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। और बताओ तो मैं, ये गदेरा से ये इस तरीके से कंटिन्यू पानी लगभग पूरे साल भर आता रहता है। और आगे की बात हो तो इस तरीके से यहाँ से हमेशा ये मंदाकिनी रिवर, जो कि केदारनाथ की तरफ से आया हुआ है, और ये मंदाकिनी का पानी हमेशा इसमें, तो इसकी अविरल धारा हमेशा चलता रहता है। और ऊपर से इधर से भी पहाड़ों की पानी प्लस और भी पानी के अलग अलग स्रोत यहाँ पे मिलके पानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तभी उसके बाद यहाँ पे एक संगम बना दिया गया है और एक डैम को, संगम बना है तो यहाँ पे एक डैम को बना दिया गया है, एक बांध बना दिया गया है उससे हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए। इसी तरीके के प्रोजेक्ट लगभग हमें उत्तराखंड में हर जगह लगभग देखने को मिलता है। और एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत काफ़ी बढ़िया चीज़ भी है। और इससे काफ़ी लगभग, मैं बताऊँ तो उत्तराखंड में लगभग जहाँ भी इस तरीके के पानी के स्रोत मिलते हैं, वहाँ पे इस तरीके का बिजली को उत्पादन करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट को बनाया जाता है और बांध का निर्माण किया जाता है। और काफ़ी सारे चीज़ें हैं आज हमें देखने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर इस तरीके से होटल्स वगैरह सारा कुछ बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और पहाड़ में क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि घर कैसे होते होंगे, किस तरीके के होते होंगे, तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ को सामना करना पड़ता है। और क्योंकि घर बनाने में काफ़ी पैसे लग जाते हैं और बहुत हाइट होता है, बहुत ऊपर होता है, और टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है। गर्मी के टाइम तो काफ़ी सुकून से रह सकते हैं, यहाँ पे होटल्स वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। और अभी थोड़े दिनों में बस केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होने वाला है, और ये जो रोड है ये सीधा केदारनाथ की तरफ गया हुआ है। नीचे की बात करूँ तो नीचे इससे थोड़ा चौड़ा ज़्यादा वाले रोड है, उनका काम भी चल रहा है। और तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आने वाले टाइम में पूरा सारा कुछ एकदम बढ़िया, नीचे जिस तरीके से हम रोड है वैसे ही बनने वाला है, काफ़ी बढ़िया रोड है। और बांध भी बनाया गया है और इससे आगे भी और भी बहुत सारे बांध है। तो हमें ये देख के आज अच्छा लगा। और ये मंदाकिनी का पानी और ये स्रोत का, इधर से जो पानी आ रहा है, काफ़ी स्रोत एक साथ मिलके उसके पानी आ रहा है, तो इसी का एक संगम बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बांध बना दिया गया है और इससे विद्युत को जनरेट करेंगे, हाइड्रो पावर को। तो काफ़ी अच्छी पहल है गुप्त काशी का, एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य है और काफ़ी सुंदर लगता है। और गुप्त काशी में बताओ तो लगभग जो लोग भी गुप्त काशी घूमने आते हैं तो इस संगम को भी देखने आते हैं, इस बांध को भी देखने आते हैं कि हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे, किस तरीके से विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये एक देखने के लिए भी आते हैं लोग और काफ़ी रिसर्च भी करते हैं, जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छा पहल है। और ये वो मशीनें सारे लगे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बताओ तो गुप्त काशी में जो हाइड्रो पावर को जनरेट किया जाता है, ये रिन्यू पावर कंपनी के द्वारा इसको, इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है। और ये मंदाकिनी रिवर पे इस बांध को बना दिया गया है, और इस तरीके से बिजली का उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेट हो सके इसलिए उत्पादन करते हैं। और काफ़ी बड़ा सा
बांध है ये, काफ़ी बहुत बड़ा सा बांध है ये, और इस तरीके से विद्युत को जनरेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को उत्पादन कर सके। और काफ़ी बड़ा बांध है ये बांध का यहाँ पे ये मेन इसके गेट लगी हुई है, हैप्पी टर्बाइन लगी हुई है, और रिन्यू पावर कंपनी के द्वारा इस मंदाकिनी रिवर में इस बांध को बनाया गया है। और इस गुप्त काशी में देखने के लिए हर कोई आता है, और ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पर आके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।